जैसे कि जायसवाल कहते हैं कि ये इनको ब्लॉसम होते हुए और इम्प्रूव होते हुए दो सीजन लगे हैं। दो साल पहले ऐसे लगता था कि इनकी पावर नहीं है, ये कॉन्फिडेंट नहीं है, सेल्फ बिलीफ नहीं है, मगर जमीन आसमान का फर्क पड़ गया है और इतनी जल्दी इतनी ज्यादा स्किल्स के ऊपर और कॉन्फिडेंस के ऊपर भरोसा करते हुए मैंने बहुत कम प्लेयर्स को देखा है, क्योंकि ये चैलेंजिंग रोल है। दुनिया के बेस्ट बॉलर्स जो आते हैं यहाँ पे बॉल करते हैं। एलिया पकड़ के ये जो अबू जबी में प्रैक्टिस करने गए हुए थे ना दूसरे टेस्ट मैच के बाद के जी हमें इंडिया में अच्छी पिचेस नहीं मिलती, बेटा घुसा दिया उधर ही, घुसा दिया पाकिस्तान में। यशस्वी जायसवाल ट्रेंडिंग कर रहा है, ट्रेंडिंग पे है यशस्वी जायसवाल के, जिस दलेरी के साथ वो बंदा बैटिंग करता है, जिस दलेरी के साथ वो लड़का खेलता है, उसकी बैटिंग देख के मजा आ जाता है, उसकी बैटिंग देख के चसा आ जाती है कि ऐसे बैटिंग की जाती है। और जिस तरह इंडिया ने इंग्लैंड का, मैं कहता हूं इंग्लैंड का बाजा बजाया, इंग्लैंड का बाजा बजाया 17 चौके, आप उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं कि उसके फर्स्ट क्लास के कोई इतने मैच नहीं है। T20 उसने कुछ, मेरा ख्याल कुछ काफी मैचेस खेले हुए, लेकिन जिस तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, डेब्यू में 100 कर दिया, सही है, मतलब यानी इतना मैच्योर वो लड़के खेलते हैं कि जो काफी अरसे से अपनी टीम से क्रिकेट खेल रहे हो, टेस्ट क्रिकेट बहुत खेल रहे हो, या फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने बहुत खेली हो, जायसवाल ने तो नहीं खेली हुई। जो भी नया लड़का इंडिया का आता है आप देख लो, वो सारे लोग आके जो है वो तरह तरह की बातें कर रहे थे कि इंग्लैंड की टीम जो है वो 600 बनाएगी, 500 बनाएगी और इंडिया को एक इनिंग से जो है शिकस्त हो सकती है। लेकिन अब मैं पूछना चाहूंगा कि वो लोग कहां पर हैं। आज अगर देखा जाए तो पहले सेशन में भी जो है वो अच्छी खासी जो है उनकी विकेटें हुई है भाई, लेकिन दूसरे सेशन में इंडिया के जो बॉलर्स है ना उन्होंने आंधी दहाई है। अगर देखा जाए तो 219 रन पे इंग्लैंड के जो है दो खिलाड़ी आउट थे और ठीक 319 रन पे इंग्लैंड की टीम ऑल आउट हो गई, यानी कि 100 रन के अंदर अंदर इंग्लैंड के 8 खिलाड़ी आउट हो गए। इससे एक चीज के जी कल इंडिया इंग्लैंड बड़ा अच्छा खेला है, इंग्लैंड तो बजा देगा, बेसबॉल ने बजा दिया इंडिया को, ये कर दिया वो कर दिया, बेटा देख लो फिर आज आज वही हुआ उनके साथ। आज बेसबॉल को घुसा दिया जायसवाल ने, पहले रोहित बाल ने घुसाया फिर जायसवाल ने घुसाया, पहले सिराज बुमराह उसके बाद जो कुलदीप और जडेजा ने घुसाया और अब आके बैटिंग में शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ने घुसा दिया। क्या टैलेंट है यार इंडिया के पास, लिटरली पाकिस्तान के पास ऐसा टैलेंट कब आएगा, कब आएगा पाकिस्तान के पास ऐसा टैलेंट कब आएगा? विदाउट विराट कोहली आप लोग खेल रहे हो, नो विराट। दोस्तों जैसे कि आज भारत की तरफ से जिस प्रकार से दोस्तों मैच आज के दिन शुरू हुआ था उसके हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों भारत की स्थिति एक मुश्किल नज़र आ रही थी, लेकिन दोस्तों अश्विन और एक झटका भारत को अश्विन के रूप में लगा, जो कि आज के मैच में वो 10 खिलाड़ियों के साथ ही भारत खेला था। दोस्तों अब भारत को अश्विन की कमी भी खल रही थी और भारत को विकेट भी नहीं मिले, तो ऐसी मुश्किल मझधार से दोस्तों भारत के बॉलरों ने तो निकाल ही दिया और ये भी बता दिया कि भारत किसी एक बॉलर पर निर्भर नहीं है। दोस्तों अश्विन चले गए तो उम्मीद कर रहे थे सब कि ये बहुत बड़ा स्कोर कर सकती है इंग्लैंड की टीम और ये वो सब बातें होने शुरू हो गई थी, लेकिन दोस्तों पहले सिराज जडेजा कुलदीप के फिरकी आगे, इसके बाद दोस्तों जायसवाल का सैकड़ा और साथ में गिल की भी पारी को नहीं भूलना चाहिए। इस कदर क्या बल्लेबाजी करी है दोस्तों कि इनकी आँखें खुल गई हैं और पाकिस्तान का मीडिया हैरान हो गया है कि भाई हो क्या रहा है। जबरदस्त तरीके से तारीफ कर रहे हैं रमीज राजा, तनवीर अहमद, ये सब जबरदस्त तरीके से तारीफ़ कर रहे हैं भारतीय युवाओं की। उनका कहना है भाई यार ये इतने डोमेस्टिक भी नहीं खेले, ये कैसे चल जाते हैं यार, पता नहीं भाई क्या चीज़ है BCCI के पास जो इनको आसानी से परफॉर्मेंस ले लेती है। दोस्तों और आगे देखते हैं वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या रहा है। आउट होते हैं पीछे लाइन लग जाती है, तू चल मैं आया वाला काम शुरू हो जाता है। आज भी आप देखेंगे बेन डकिट बहुत कमाल की, विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट उसने बहुत कमाल की जो है बैटिंग की। आप देखें कि इंडिया के सामने आके जो है वो ऐसी कंडीशंस पे 153 रन 151 बाले रना वाली खेला है वो, और 23 चौके 2 छक्के। लेकिन उसके आउट होने के बाद पीछे कोई भी बंदा चल नहीं सका। आप देखें जॉय रूट ये ओवर अग्रेसिव होने की कोशिश करता है, अब इसकी जो नेचुरल बैटिंग है वो ये है ही नहीं बेस बॉल वाली, इसकी बैटिंग है जैसे स्मिथ खेलते हैं या जैसे जो आप पुजारा खेलते हैं, रहाणे खेलते हैं, वो वाली बैटिंग है इसकी। लेकिन ये आके ओवर अग्रेसिव होने के चक्कर में उल्टा सीधा शॉट खेल के आउट होके जो चला गया बुमराह की बॉल पे। बैरिस्टो इसने तो कसम ही निकाली हुई है कि मैंने इंडिया में रन बनाने ही नहीं है,
और बेन स्टोक्स ये बेचारा हर बार क्या करे, आज भी 41 रन बना के ये जो आज जडेजा का शिकार हो गया। बाकी कोई नहीं फोक्स, 13 रेहान, 6 अटली 9, कोई भी बंदा नहीं बना सका। और इस तरह से इंडिया की टीम को 100 से ज्यादा रन की पहली इनिंग से जो लीड असर हो चुकी थी। अब जब इंडिया की जो वारी आई ना, पहले तो सिराज और कुलदीप और जडेजा ने आंधी दहाई है उनके ऊपर, 4 विकेटें जो है वो सिराज ने ली हैं, 2 जडेजा ने, 2 कुलदीप ने बड़ी विकेटें ली हैं। लेकिन जब इंडिया की बारी आई ना तो रोहित शर्मा पहली इनिंग्स में बहुत कमाल का खेले हुए थे, 100 लगाया, लेकिन दूसरी इनिंग्स में एक गलत टाइम पे गलत शॉट आप कह सकते हैं रोहित शर्मा खेल के आउट हो गए, क्योंकि वावर चौके लगाए हुए थे, नहीं जरूरत थी इस शॉट की, ठीक है। लेकिन उसके बाद जायसवाल और शुभमन गिल, जायसवाल ने तो खिलवाड़ किया, आप उसको बोल सकते हैं खिलवाड़। उसने वो कहते हैं ना कि पहले थोड़ा सा सहारा दिया फिर जो है वो चमाटा, फिर थोड़ा सा सहारा दिया फिर चमाटा। पहले आप देखे इतना स्लो खेला, बड़े आराम के साथ पिच को रीड किया, अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट दी। पहले तो बताइए 30 बॉलों के बाद उसका पहला चौका आया था, वो कर दिखाया और वो बताया कि जब जब एडवर्सिटीज का सामना होता है इंडिया तभी सबसे तगड़ी क्रिकेट खेलता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया का टूर हो, चाहे वहां आपका कप्तान पर्सनल इमरजेंसी से रेस्ट ले रहा हो, फिर आपकी टीम में इंजरीज आ जाए, आपको नेट बॉलर्स निकाल के सीरीज जीतनी पड़े, या फिर इंग्लैंड हो जहां आप रिसीविंग एंड के ऊपर हो, फिर वहां आप कम बैक करो और विराट कोहली एंड मोहम्मद सिराज और फिर जिस तरह का जसप्रीत बुमराह एंड ऑल द बॉलिंग अटैक एंड दी सिमिलर फेसेस, वहां वो पैशन इग्नाइट करें। और आज फिर एक दफा इतने सालों बाद इंडिया के सॉइल के ऊपर एक ऐसी टीम आई है जो इंडिया को उनके बैकयार्ड में चैलेंज कर रही है, यानी टीम इंग्लैंड, और उस एडवर्सिटी के खिलाफ आपने फिर बाउंस बैक किया, फिर वो फाइटिंग का फाइट बैक एबिलिटी दिखाई, एंड दिस इज द ब्राइटेस्ट एंड दिस इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ दिस टीम व्हिच ऑलवेज पुट दिस टीम एट द टॉप ऑफ द पोडियम। क्योंकि जो फाइट बैक स्पिरिट है आज, जिस तरह यस जायसवाल को आप उठा के देख लीजिए, शुभमन गिल को आप उठा के देख लीजिए, आप पिछली इनिंग्स में सरफराज को उठा के देख लीजिए, ध्रुव जुरेल के डेब्यू को देख लीजिए, आप बेंच से लड़का उठाइए या मेन से लड़का उठाइए, ये जो फाइटिंग स्पिरिट है दैट व्हाट puts this team at the top of the podium when we talk about the red ball cricket. White ball format एक अलग मामला है जहां इंडिया प्रेशर मूवमेंट्स पर शायद उस तरह नहीं बाउंस बैक कर पाता जिस तरह उसको करना चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू रेड बॉल क्रिकेट तो इंडिया की जो पिछले 6-7 साल से टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेंस है कि 2 WTC फाइनल के 2 WTC फाइनल, उससे पहले कंसेक्यूटिव पार्सल नंबर 1 टेस्ट टीम और एक सिलसिला बंधा हुआ लड़कों का आने और जाने का, और आज जिस तरह बॉलिंग अटैक ने या पुटअप किया मोहम्मद सिराज, जिसके ऊपर शायद बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है हर दफा के थोड़ा सा वो पिटना शुरू होता है तो लोग उसको उस लिस्ट में बना देते हैं, पहुंचा देते हैं कि जो शायद वो खुद भी ना एक्सपेक्ट कर रहा हो। लेकिन अगर आप वेस्ट इंडीज उठा के देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया उठा के देख लीजिए, इंग्लैंड उठा के देख लीजिए जहां उसने 3 4 4 फर्स्ट लिए हुए, साउथ अफ्रीका उठा के देख लीजिए, व्हेन ही इज ऑलवेज अगेंस्ट द वॉल, जब जब टीम। दोस्तों जैसे कि आपने देखा रवीश राजा भी बहुत ज़बरदस्त तारीफ़ कर रहे थे और पाकिस्तान के जो तनवीर अहमद है वो भी बहुत ज़बरदस्त तारीफ़ कर रहे थे, और भी दोस्तों जो इतने भी एक्सपर्ट हैं बुरी तरीके से मतलब तारीफ़ें कर रहे थे भारत की और कह रहे थे कि यार क्या जिस तरीके की बल्लेबाजी है भारतीय टीम की, युवाओं की टीम है, पूरी युवाओं की फ़ौज खेल रही है पूरी भारतीय टीम में, जो बल्लेबाजी कर रहे हैं पूरा युवाओं का फ़ौज है, छोटे छोटे खिलाड़ी खेल रहे हैं जो कि कोई इतना खास उनका अनुभव नहीं है, लेकिन इसके बाद दोस्तों जान सकते हैं कि आप क्या बुरी तरीके से इंग्लैंड के अनुभव की टीम को थपेड़ थपेड़ के मार रहा है। ये दोस्तों वही टीम है जो पाकिस्तान गई थी और ये हाल कर दिया था पाकिस्तान का, लेकिन भारत के यहाँ इनका उल्टा यही हाल हो रहा है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।